हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शिवम उपाध्याय अपने यूट्यूब चैनल द होम्योपैथिक वर्ल्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, मैं फिर आपके समक्ष एक नई मेडिसिन लेकर उपस्थित हूँ। दोस्तों, ये मेडिसिन जो है मेटल किंगडम की मेडिसिन है, ये एक डीप एक्टिंग मेडिसिन है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की मेडिसिन, आज का वीडियो बिना किसी देरी के। दोस्तों, अपनी आज की मेडिसिन है अर्जेंटम मेटेलिकम। दोस्तों, ये मेडिसिन चांदी से बनती है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके कॉमन नेम की। दोस्तों, इसका कॉमन नेम है प्योर सिल्वर। इसकी प्रूविंग डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन सर द्वारा की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, ये इसका मियाज्म क्या होगा इसके पेशेंट का, इसका टेम्परामेंट क्या होगा, हॉट एंड कोल्ड रिलेशन क्या होगा। दोस्तों, इसमें मियाज्म की बात करें तो इसमें सिफिलिस मियाज्म पाया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं टेम्परामेंट, तो इरिटेबल टाइप टेम्परामेंट होगा, पेशेंट चिड़चिड़ा स्वभाव का होगा। नेक्स्ट बात करें हॉट एंड कोल्ड रिलेशन की, तो पेशेंट चिली नेचर का होगा, चिली पेशेंट होगा इसमें, उसको ठंड से दिक्कत होगा, कोल्ड डैम्प वेदर से दिक्कत होगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इसका कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन से बताने से पहले मैं बता दूं कि एक डीप एक्टिंग मेडिसिन है और स्पेशल वर्क करती है लेफ्ट साइडेड में। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, ये किस तरीके के पेशेंट को ज़्यादा अच्छा सूट करेगी। दोस्तों, इसका जो पेशेंट होगा वो लंबा होगा, दुबला पतला होगा और इरिटेबल नेचर का होगा, चिड़चिड़ा टाइप का होगा। लंबा होगा, दुबला होगा, चिड़चिड़ा टाइप का होगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, इसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल इफ़ेक्ट है वो ऑनानिज्म के ऊपर है। इसमें बैड इफ़ेक्ट ऑफ मरकरी पाया जाता है या मरकरी एब्यूज़ पाया जाता है इसके पेशेंट्स में। अब दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं इसका कुछ की नोट्स। तो दोस्तों, बात करते हैं इसमें की नोट्स की। तो दोस्तों, मैंने बताया कि लेफ़्ट साइडेड मेडिसिन है, इसकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं कोल्ड डैम्प वेदर से और चिल्ड होने से। जब ये चिल्ड होगा फील करता है तो उससे इसकी दिक्कत बढ़ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें देखा जाता है कि इसकी जो मानसिक और बौद्धिक क्षमता होती है वो कम होती है इसके पेशेंट्स में। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, इसमें न्यूरेल्जिया पाया जाएगा, टीयरिंग टाइप का पेन होगा, नर्व पेन होगा, न्यूरेल्जिया होगा टीयरिंग टाइप का, ख़ास करके लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में, पैर वर में ज़्यादा देखा जाएगा दिक्कत उसमें, न्यूरेल्जिया। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, इसका जो न्यूरलजिया होगा, न्यूरलजिक पेन होगा, वो रेस्ट से बढ़ जाएगा, एग्रावेट हो जाएगा रेस्ट से। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इसका इसके अगले सिम्टम्स की। तो दोस्तों, इसमें देखा जाएगा इसका खासा काम है कार्टिलेज के ऊपर। दोस्तों, इसमें कार्टिलेज जो होगा वो इन्फ्लेम्ड होगा, इन्फ्लामेशन ऑफ कार्टिलेज देखा जाएगा। दोस्तों, इसमें जो होगा कार्टिलेज में नॉट्स बन जाएगा, हार्ड नॉट बन जाएगा, गांठ बन जाएगा, लंप बन जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, बात करें अगर हम इसकी, तो इसकी जो गांठ वगैरह है वो कहाँ कहाँ, इसके जो कार्टिलेजस हैं उस पर गांठ बनेगा दोस्तों, वो कहाँ कहाँ होगा, ख़ास करके टार्सल्स में। टार्सल मीन्स पैर का जो तलवा होता है, उस रीजन में, कान में, नाक में और कान की जो ट्यूब होती है उसमें। दोस्तों, इन जगह पे इसको इन्फ्लामेशन होगा और एक्सटेंसिव इचिंग फील होगी, इसको इतना तेज इच फील होगा कि जब पेशेंट खुजली करेगा तब तक उसको नहीं आराम होगा जब तक वो ब्लीड नहीं हो, इंटेंस इचिंग होगा। दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इसमें कि इसमें जो रूमेटिज्म है वो रूमेटिज्म ऐसा है कि उसमें स्वेलिंग नहीं पाई जाती है, आर्टिकुलर रूमेटिज्म है, हिस्टेरिकल रूमेटिज्म है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इसका, तो ये एपिलेप्सी के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन, प्रिंसिपल मेडिसिन मानी जाती है एपिलेप्सी के लिए।
दोस्तों अगर नेक्स्ट बात करते हैं इसके अगले सिम्टम्स की, तो ऐसा देखा जाता है कि इसमें जो पेशेंट होगा वो अगर तेज़ आवाज़ में बोलेगा या बहुत ज़्यादा बोलेगा तो उसमें देखा जाएगा कि हॉर्सनेस फील होगा उसको, या उसकी आवाज़ चली जाएगी, लॉस ऑफ वॉइस या हॉर्सनेस देखा जाएगा पब्लिक स्पीकर में, या सिंगर जो गाना गाते हैं या बहुत देर तक जो बोलते रहते हैं उनमें ऐसा देखा जाएगा दोस्तों। इसमें आवाज़ कभी कभी चली जाती है या आवाज़ बदल जाती है, कभी गला बैठ जाएगा, कभी एकदम सही हो जाएगा, कभी दूसरी तरीके से आवाज़ आने लगेगी, तो दोस्तों ऐसा सिम्टम इसमें देखा जाता है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों इसमें, तो इसका एक कफ का सिम्टम है, इसमें जो कफ होता है वो हंसने से बढ़ जाता है, लाफिंग एक्साइट कफ सिम्टम्स। दोस्तों ऐसा देखा जाता है कि ड्रोसेरा में ऐसा सिम्टम है, फास्फोरस में ऐसा सिम्टम है, स्टेनम में है ऐसा सिम्टम। दोस्तों आप तीनों मेडिसिन का कंपेयर करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इसमें कि इसको ऐसा दर्द टाइप का फील होगा जहाँ पे विंड पाइप बटी हुई होती है, ट्रैकिया जो होती है बाइफरकेट होती है, वहाँ पे इसको दर्द टाइप का सोरनेस टाइप का फील होगा। दोस्तों इसको बात करते हैं अगर इसके नेक्स्ट सिम्टम पे, तो दोस्तों इसमें देखा जाता है मेल्स में, खास करके अगर बात करें तो मेल्स में दोस्तों इसमें देखा जाता है कि मरकरी का एब्यूज़ होता है उसमें, एब्यूज़ फ्रॉम मरकरी। और देखा जाता है कि इसमें सेक्सुअल एक्सेस की वजह से इसे दिक्कत होती है, या ओनानिज्म, मैंने बताया ओनानिज्म की वजह से इसे दिक्कत होगी, ओनानिज्म मीन्स मैस्टर्बेशन दूसरी भाषा में कहें तो इससे दिक्कत होगी। दोस्तों इसके अंदर गोनोरिया पाया जाएगा, गोनोरी कैसा, उसमें येलोइश डिस्चार्ज होता रहेगा जो कि हमेशा बना रहेगा। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं अगर अगले सिम्टम्स की, तो दोस्तों इसमें देखा जाएगा कि एट्रॉफी ऑफ पेनिस होगा, पेनाइल एट्रॉफी देखा जाएगा। एट्रॉफी मीन्स किसी साइज किसी चीज़ का छोटा हो जाना या उसका साइज सिकुड़ जाना, घट जाना, उसको एट्रॉफी कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इसके अगले सिम्टम्स पे, इसके फीमेल सिम्टम पे। दोस्तों इसमें देखा जाएगा कि जो फीमेल होगा उसमें प्रोलैप्स यूट्रस देखा जाएगा, यूट्रस प्रोलैप्स हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं अगर दोस्तों इसमें, तो इसके फीमेल सिम्टम की, तो इसमें हीमरेज देखा जाता है, हीमरेज होगा खास करके क्लाइमैक्सिस के टाइम, क्लाइमेट्रिक पीरियड में इसको हीमरेज देखा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों ओवेरियन सिस्ट या ट्यूमर, खास करके लेफ़्ट ओवरीज में पाया जाता है, लेफ़्ट ओवरीज में पेन भी होता है, ऐसा पेन होता है कि पेन फॉरवर्ड साइड पे है, डाउनवर्ड साइड पे है, मतलब आगे की तरफ और नीचे की तरफ पेन ऐसा महसूस होता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इसके अगले सिम्टम पे। दोस्तों मैंने बताया कि इसका कफ वगैरह पे ज़्यादा अच्छा सिम्टम है इसका, जैसे कि कफ म्यूकस निकलेगा तो कैसा होगा, इसका एक्सपेक्टोरेशन कैसा होगा, एक्सपेक्टोरेशन दोस्तों इसमें है, इसमें एक्सपेक्टोरेट ठीक ठाक होता है। कैसा एक्सपेक्टोरेशन होता है, ऐसा होगा कि जैसे चावल का माड़ निकलता है उस टाइप का होगा, उस टाइप का इसका एक्सपेक्टोरेशन होगा। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, तो इसमें देखा जाता है कि यूट्रस में फीमेल्स के अल्सर्स पाए जाते हैं, ऑफेंसिव ल्यूकोरियल डिस्चार्ज होगा जो कि एक्रिड भी होगा, वेरी ऑफेंसिव होगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इसके नाक की हड्डी वो बढ़ जाया करेगी, उसमें देखा जाएगा कि इसकी बोन जो है थिकनिंग हो जाएगी, नेजल बोन थिकनिंग हो जाएगी, उसमें ऐसा फील होगा कि पूरा नाक म्यूकस से भरा हुआ है, नेजल पैसेज में ऐसा फील होगा कि म्यूकस पूरा बिल्ड हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों अगले सिम्टम्स की, कि जो पेशेंट होगा वो अपने कान को, हमने बताया इंटेंस इचिंग है तो अपने कान को हमेशा इच करता रहेगा, खुजलाता रहेगा। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं इसकी आईलिड्स की, आंखों की पलकें जो होंगी
वो स्पाज़मोडिक तरीके से बंद खुलती रहेंगी, खुलेगी बंद करेगी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इसके मेल के कुछ और सिम्टम्स पे। दोस्तों इसको ऐसा फील होगा लेफ्ट टेस्टिकल्स में खास करके कि उसको क्रश किया गया हो, क्रशिंग टाइप पेन होगा लेफ्ट टेस्टिकल्स में। ऐसा दोस्तों रोडोडेंड्रॉन में भी देखा जाता है ऐसा सिम्टम। दोस्तों यही सब कुछ इसका खासा सिम्टम्स था। एक और सिम्टम दोस्तों बता दूं मैं कफ के रिलेटेड, इसका जो कफ है कोराइजा है, सर्दी जुकाम होगा इसको, उसके साथ में इसको लगातार छींकें आएंगी और उससे ये कमज़ोर फील करेगा अपने आप को, एग्जॉस्ट फील करेगा। तो दोस्तों यही सब इसका कुछ सिम्टम्स था। अब बात कर लेते हैं इसके एग्रावेशन एमलियोरेशन के ऊपर। दोस्तों इसका एग्रावेशन होगा रेस्ट से, अगर ये आराम करेगा तो इसको दिक्कत बढ़ जाएगा, इसकी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। दोस्तों इसकी दिक्कतें सिंगिंग से है, अगर बहुत ज़्यादा गाएगा या बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस हाई लेवल में बोलेगा, हाई आवाज़ में बोलेगा या कुछ रीड करेगा तो इससे की दिक्कत बढ़ जाएगी, खांसी वगैरह आना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें दोस्तों इसको कोल्ड डैम्प वेदर से दिक्कत है, या जब ये ठंडा फील करेगा या ठंडा इसको ऐसा महसूस होगा कि इसको चिलिंग आ रही है तो इसकी दिक्कत बढ़ जाएगी। अब दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसकी एमलियोरेशन से। एमलियोरेशन इसको किस चीज़ से मिलता है, आराम किस चीज़ से मिलता है? तो दोस्तों जब ये चलेगा, मोशन करेगा या वॉक करेगा तो इसको आराम फील होगा। तो दोस्तों यही थी अपनी आज की मेडिसिन, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा आज की मेडिसिन। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी दोस्त तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।